नमस्कार दोस्तों, CMLCA GS क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दूध से संबंधित जितने भी GK GS प्रश्न जो SSC रेलवे और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जिस एंगल से बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न को आप उसी हिसाब से देखिएगा, तो आपको यकीन मानिए आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशेंट है। जितना भी स्टैटिक GK का जो छोट छोट पार्ट में बता रहा हूँ, ये सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट बनाइए और समय समय पर रिविजन भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, भारत में। दूध का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, भारत है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूध के लिए भारत में श्वेत क्रांति का, तो श्वेत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध के उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति कब आया, 1970 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अब भारत में यानी श्वेत क्रांति का पिता किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, पूछेगा दूध का हल्का पीला रंग, दूध का हल्का पीला रंग पूछे ना कैरोटीन के कारण होगा, और थोड़ा घुमा दे, पूछ दे कि दूध का श्वेत रंग किसके कारण होता है, तो ये श्वेत रंग होता है केसिन के कारण। और केसिन को किस नाम से, दुग्ध प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं, केसिन को दुग्ध प्रोटीन के नाम से। प्रोटीन की खोज बर्जिलियस ने किया, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केसिन का कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, यानी दूध का श्वेत रंग किसके कारण, केसिन के कारण। और दूध किसका उदाहरण किसका है, डायरेक्ट ये सब फैक्ट पूछता है, तो दूध किसका उदाहरण है, पायस या इमल्सन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी समझिएगा कि दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता, पूछेगा दूध में क्या नहीं पाया जाता, आयरन मतलब लोहा, ध्यान रखिएगा, तो दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अभी समझिएगा आपको दूध से जो क्रीम को अलग करते किस विधि द्वारा, तो अपकेंद्रीय विधि के द्वारा दूध को क्रीम से अलग करते हैं, और दुग्ध शर्करा कहते हैं किसे, लैक्टोज को कहते हैं। दूध शर्करा किसे कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गार्बर विधि से वसा को ज्ञात करते हैं, गार्बर विधि से वसा की मात्रा की। अब देखिए गाय के दुग्ध में सीरा में क्या होता है, आपको लगेगा ये प्रश्न आएगा ना, तो पूछे रहा है क्या, गाय के दूध में किसी गाय के दूध के सिरा में होता है, तो सिरा में क्या होता है, दूध होता है, लेकिन नहीं पूछता है परीक्षा में, वहाँ पे खून होता है, याद रखिएगा। तो गाय के दूध के सिरा में क्या होता है, खून पाया जाता है। दूध की चिकनाई का अंश मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और दूध से दही जो बनता है लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और दूध की जो चिकनाई का अंश मापने के लिए ब्यूटीरियोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूटीरियोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन को तो भूलिएगा नहीं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछे तो करनाल है कहाँ, हरियाणा में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है कि सानिन बकरी को दूध की रानी कहते हैं, दूध की रानी किसे कहते हैं, सानिन बकरी को, सानिन बकरी को। और ये जो ध्यान रखिएगा बकरी का जो गर्भकाल होता है ना 151 दिन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान का केंद्र कहाँ है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र पूछे ना तो कहाँ है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मखदूम में, मखदूम कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मखदूम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। बछड़ों के आहार के स्वरूप में खींच का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक को सशक्त बनाने, जैसे बछड़े होता है ना उसको सबसे पहले यही खींच पिलाया जाता है, जिससे क्या होता है खींच, जिससे रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाता है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए क्या, यही पिलाना चाहिए खींच, जिसे खिरसा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हमको लग रहा है उसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो सर्वप्रथम नवजात बछड़े को जो पिलाते हैं, पिलाना चाहिए क्या, पिलाना चाहिए खीस, ठीक है, जो भी दे दे ऑप्शन में उस हिसाब से देख लीजिएगा।
तो अगर पूछे दूध के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पे, भारत प्रथम स्थान पे है, अमेरिका में भी हालांकि दूध पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है। लेकिन ये श्वेत क्रांति का संबंध किस है, दुग्ध उत्पादन से, भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को नहीं भूलिएगा। मक्खन में वसा की मक्खन दूध मक्खन में वसा की मात्रा कितना है, 80% है। लेकिन घी में बहुत बार पूछा घी में वसा की मात्रा कितना है, तो घी में वसा की मात्रा पूछे तो 99%, ध्यान रखिएगा। और भैंस के दूध में वसा अधिकतम होती है, देखिए भेड़ के, अगर भैंस रहे ना, अगर भेड़ दो भेड़ और भैंस दोनों रहे तो यहाँ पे भेड़ आंसर होगा, लेकिन भेड़ के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है। अगर कभी कभी भेड़ नहीं देता है और अगल बगल का ऑप्शन देकर उसमें भैंस रहेगा तो भैंस टिक कीजिएगा, ठीक है। तो और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वसा अधिकतम किस में होती है, तो भेड़ के रेंडियर के दूध में, ध्यान रखिएगा। और लेकिन पूछे कि ये भैंस अनुसंधान, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ है, तो हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिला में है, ध्यान रखिएगा। और देखिए दूध से जो दही जमता है लैक्टोबेसिलस जीवाणु के कारण, तो दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है ये पूछता है, तो दूध से जो दही बनता है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि दूध का पीएच मान कितना है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।